बिल्कुल, ट्यूलिप गार्डन एक ऐसा अट्रैक्शन है क्योंकि ये इंडिया में मुझे लगता है सिर्फ शायद कश्मीर या श्रीनगर में ही दिखाई देता है और पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, या फिर आपको स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो हमारे लिए तो ये बहुत मतलब एक उत्साहजनक चीज़ है कि हम आके यहाँ ट्यूलिप देख पा रहे हैं। हम लास्ट टाइम भी आए थे लेकिन हमें ये आनंद नहीं मिला था क्योंकि ट्यूलिप गार्डन बंद हो चुका था तब तक, लेकिन इस बार हमें बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ आकर। Explosion of color, it's absolutely beautiful. It's my first time in Kashmir and then I couldn't believe it's like Netherlands, honest. It's like Europe, so absolutely amazing. Yeah, beautiful. I'm happy to be here. It's, as I said, I didn't expect to be so beautiful and to see tulips here up in the mountains in Kashmir in India. That's amazing. अपने देश में ये इतना कुछ है, इतना सुंदर है, खूबसूरत है हमारा कश्मीर में, तो इतना कुछ करने वाला है। जब हम as locals हम लोग शिकारे में शाम को जाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो लोकल्स करते हैं, वो जो बाहर के लोग आके उनको पता चलता है, तो दे जस्ट नॉट एज टूरिस्ट, वो जो लोकल्स जैसे अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं वो बहुत स्पेशल बना देता है उसको, जैसे यू नो। सो थैंक यू। फर्स्ट टाइम ट्यूलिप देख रहे हैं, अभी पहले तो फिर मूवीज़ में ही देखा है, अमेजिंग लग रहा है। हम लोग दोस्त लोगों के साथ आए हैं, ये ट्रिप हम लोगों का ड्रीम ट्रिप था, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ट्यूलिप देख के।